आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं गार्डन है, लेकिन आप देखने के बाद नहीं बता सकते कि कोई गार्डन है। और गार्डन है तो कौन सा गार्डन है? यह गार्डन है लेकिन इसका कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। कौन सा गार्डन है, इसकी क्या पहचान है, ये कुछ भी नहीं आप जान सकते। और जैसे अंदर जाएंगे आप देखेंगे पूरा अंधेरा है, एक लाइट नहीं जल रही है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो है गार्डन के गेट पे हम खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि यह गार्डन कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ, यह गार्डन है मदर टेरेसा गार्डन है। यहाँ पे गार्डन का नाम तक नहीं लिखा हुआ है, गार्डन कौन सा है। क्या बीएमसी के पास बोर्ड लगाने के भी पैसे नहीं हैं? और इस गार्डन के अंदर आप देखेंगे एक भी लाइट नहीं जल रही है। बनते हैं, इधर काम चल रहा है ना? हाँ, ये काम चल रहा है अंदर। अच्छा, काम चल रहा है तो लाइट से क्या लेना देना काम से? नहीं, इधर ऐसा कोई जाता है नहीं है। हाँ, तो ये नाले के काम चालू था इसलिए तो एक हफ्ते के लिए बंद किया था। हाँ, लेकिन इसमें सुविधा की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लाइट तक नहीं है। लाइट इसलिए नहीं कि लोगों को जाने का जरूरत ही नहीं, परमिशन नहीं है। नहीं, लेकिन सब लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है कि यहाँ पे बंद है ऐसा कुछ? वो तो हो, परमिशन है। बोला था नाम नहीं है, नाम उधर बोर्ड रखा है। कहाँ पे? अंदर अंदर। वो बोर्ड उसे नहीं कहते हैं, वो छोटा सा बोर्ड नॉर्मली जो काम किए उनका, वो भी नाम के ऊपर, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक पार्क का जो बड़ा सा बोर्ड लगता है वो है क्या? नहीं, वो पता नहीं इधर किधर कुछ लिखा नहीं। नहीं है ना? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी अंदर आइए। ठीक है, आप देख लीजिए, अंदर आइए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इन्होंने बोला कि अंदर लिखा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक गार्डन है तो गार्डन के ऊपर एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि गार्डन है कौन सा। दूसरा चीज़, हम अंदर एंट्री मारते हैं, जैसे गेट के अंदर हम आते हैं वैसे आप देखेंगे यहाँ ना रेत का जो है ना ढेर पड़ा हुआ बहुत बड़ा। देखिए आप देखेंगे, जैसे गेट से जैसे एंट्री मारें वैसे ही आप देखिए, मैं कैमरे में कहूँगा एक बार दिखाएं, वैसे ही जो है ना यहाँ रेत का ढेर पड़ा हुआ है। बाहर काम चालू है, बाहर का मटेरियल यहाँ पे, रेत रखने का परमिशन किसने दिया? यह जो है लोगों को यहाँ पे टहलने घूमने और हवा पानी लेने के लिए, जाने खेलने कूदने के लिए है। लेकिन यहाँ पे रास्ते में ही जो है इन्होंने इतना ज़्यादा जो है सीमेंट रेत ये सब रख दिया हुआ है, और एक दिन से नहीं रखा हुआ, यह डेढ़ दो महीने के लगभग से रखा हुआ है। मेरी जानकारी में ये एक महीने के ऊपर हो गया ऐसे पड़ा हुआ है। और आप इस पार्क में आएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हैं। ये कब से पड़ा हुआ है रेत यहाँ पे? डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीने हो गया। इससे क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है लोगों को? अरे चलने में प्रॉब्लम है ना, वॉक करने के लिए तो प्रॉब्लम होता है ना। सुबह तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, महिलाएं बच्चे सभी लोग आते हैं। सभी लोग आते हैं, सभी लोग राउंड भी मारते हैं लोग यहाँ पे। हाँ, राउंड मारते हैं ना। तो देखिए जैसे बता रहे हैं, और ये लाइट भी नहीं है यहाँ पे, अभी सब बंद है। लाइट भी नहीं है और मच्छर भी उड़ रहे हैं। मच्छर भी बहुत उड़ते हैं। कभी धुआं हुआ कुछ भी मारने का यहाँ पे नहीं है? कुछ नहीं है। और क्या यहाँ पे कमियाँ क्या है आप बताएंगे कुछ वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचे? वो मालूम है, पर अभी है क्या, सब लाइट तो है ही नहीं। ये कितना महीना गिरा है, आदमी लोग ऐसे राउंड मारते हैं तो सब गड़बड़ होता है ना। राउंड मार मच्छर मच्छर काटता है ना, मतलब आप बैठने आते हैं लेकिन बैठने में दिक्कत बहुत होती है। अभी राउंड मार के आया, राउंड मार के हो गया मेरा, थोड़ा बैठा, अभी पानी पिया बैठा, अभी जाएगा। राउंड मार के आप आए तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी? वो उधर से, हाँ वही तो, वो तो बहुत है ना रेती का, हम लोग को नीचे से ऐसा मारता है झटपट झटपट। और इस गार्डन में क्या क्या कमियाँ है जो सुधारने की जरूरत है आपके हिसाब से? मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं, मैं तो उधर रहता है, तो भी मैं क्या बताता है, लाइट तो है ही नहीं। अभी हम आया उधर से, लाइट भी नहीं कुछ नहीं, राउंड मारा दस राउंड मारा। यहाँ पे कोई गार्ड है इस समय? अभी तो कोई दिखता है नहीं, कभी कभी रहता है कभी नहीं रहता, इधर सब अंधा दिन दिखा। जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पीना पानी पीने के लिए भी सुविधा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे टंकी है, लेकिन यहाँ पे टंकी का एक टंकी गायब है, एक टंकी है, पानी बूंद बूंद चू रहा है। लेकिन यहाँ से भी पानी जो है, यहाँ पे काफ़ी गंदगी, यहाँ पे देखिए सारे पानी जो है गिर रही है। ये टोटी टूटी हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए। मैं ये कहूँगा कि मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र, वॉचमैन और बीएमसी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टोटी टूटी हुई है, टोटी टूट कैसे गई? यह जो पानी इतना बर्बाद हो रहा है, इसकी जो पाइपें टूटी हुई हैं, लाइटें बंद हैं, और कोई न कोई कॉन्ट्रैक्टर आके इस गार्डन का यूज़ करके यहाँ पे जो सीमेंट रेती सब ला के रख देता है। यह पब्लिक के पैसे से मेंटेनेंस और पब्लिक के पैसे से ही सारी सुविधाएं आप नागरिकों को देते हैं, आपके घर से नहीं देते। लेकिन अगर उनके भी आज़ादी में ये आप लोग हस्तक्षेप क्यों डालते हैं? रोड का काम चालू है तो गार्डन में या गेट के सामने इतनी आपको रेत रखने की क्या ज़रूरत है? किसने परमिशन दिया? गार्डन डिपार्टमेंट के किस ऑफिसर ने परमिशन दिया है कि यह गार्डन के अंदर आप ये रेत को रखिए, जो कि गार्डन का काम नहीं चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, वो भी रोड का काम चार महीने से चल रहा है नाले का।
चार महीने से दो दो स्कूल है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी ट्रैफिकें लगती है। वो भी हम आपको दिखाएंगे किस हिसाब से लोगों ने पत्थर फेंक फेंक के ऐसे कुछ लगा दिया, बैरियर लगा दिया, कुछ जगह तो बैरिकेटर वैसे ही छोड़ा हुआ है। मतलब लापरवाही की कोई एक लिमिट नहीं, सीमा ही नहीं रह गई है। यहाँ पे टीवाड़ के लोग जो है एकदम बेलापरवाह हो गए हैं। इन लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। और मैं गार्डन में दिखाऊंगा, आप आगे आप देख पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ दूरी के बाद, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और यह लाइट ना होने की वजह से इसके पीछे तरफ, ये दीवार के पीछे तरफ से रास्ता गया हुआ है आगे सोसाइटी में, वहाँ पर जो है अंधेरा है। यहाँ की लाइट का इस्तेमाल वहाँ पर हो जाता तो वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, उस गली में जाने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है। कोई जा रहा है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। एक्सक्यूज़ मी भैया, लाइट नहीं है, कोई दिक्कत होती है आपको आने जाने में? थोड़ा कुछ हो जाता है। एक्चुअली क्या है, सच बोलेगा तो इधर कभी कुत्ता संडास विंडास करता है, मतलब अंधेरा रहता है यहाँ पे ना, रहता है। अच्छा, ये गार्डन की लाइट भी बंद है, ऐसा कुछ स्पेशली रोड के लिए लाइट नहीं लगा हुआ है ना? नहीं नहीं, स्पेशली कुछ लाइट लगा हुआ नहीं। गार्डन की लाइट बंद हो जाती है तो यहाँ पे जाने के लिए दिक्कत होती है? थोड़ा तो होता है, क्योंकि क्या ये झाड़ भी बीच में है, कभी अंधेरे में समझो पूरा अंधेरा हो गया, काला काला हो गया, भी लड़ जाएंगे। हाँ, तो किसको भी सर पे झाड़ लग गया तो ये भी बात है ना। इसके लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेश आठोड़े सर। थैंक यू। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है इस तरफ जो रास्ता गया हुआ है और यहाँ पे जाने का एक ही मात्र रास्ता है, नहीं तो फिर सरोदय नगर की तरफ से आप जो है जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते का यूज़ ज़्यादा होता है और ये लाइट ना होने की वजह से उन लोगों को भी जाने आने वालों को भी दिक्कतें हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे कैमरे में कि ये सब गार्डन में आप देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ से आपको ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारी लाइटें बंद हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं, सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ बैठे हुए हैं एक भाई साहब हैं, देखिए सोसाइटी की लाइट आ रही है, थोड़ा सा उजाला है यहाँ पर, और ये उजाला देख के यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे इनसे। भैया आप बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, ये लाइट जो बंद है इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत मतलब अभी मच्छर बहुत है और उसके बाद में थोड़ा अनसेफ है, क्योंकि बहुत से मतलब अनसेफ है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी आ जाता है समझ में नहीं आता ना, अंधेरे में कभी कुछ हो जाएगा। गार्डन का कुछ मतलब ही नहीं रहा ना, क्योंकि लोग कोई आएगा भी नहीं, डर के मारे अंधेरा है। अंधेरा है, वही अंधेरे में ज़्यादा कोई आता ही नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर बहुत आते हैं इधर, इसके लिए थोड़ा अनसेफ है। और गेट के ऊपर वो जो रेत का ढेर लगा हुआ, उसको क्या कहेंगे आप? वो तो बहुत दिन से उधर ही पड़ा है, अभी तो थोड़ा साइड में किया है आने जाने के लिए जगह, पहले तो वो भी नहीं था। अच्छा, अभी चलते चलते थोड़ी सी बन गई, नहीं तो वो भी नहीं था, पूरा ऐसे ढेर पूरा था, पूरा ढेर था जो गेट का जो है ना लग के, उससे पूरा ढेर था। और रोड का काम चालू और गार्डन में रखे हुए हैं माल? रोड का नहीं, एक्चुअली गार्डन के लिए रखा था ना। रोड का काम चालू, रोड के लिए यूज हो रहा है? हाँ, बट पहले तो ये गार्डन का वॉल का कर रहे थे, ये जो अभी पेंट किया है ना, हाँ, उसके लिए डाला था ये सब, लेकिन वो काम बंद, अब रोड का काम का मटेरियल वहाँ रख दिया गया, और बाकी मटेरियल वैसे के वैसे ही पड़ा है, अभी तक तो कुछ किया नहीं है उसमें। जैसे कि इन्होंने बताया जो है रोड का जो काम चल रहा है, यह जो है मटेरियल जो है रोड के लिए है, अगर ये गार्डन के लिए रखा था तो डेढ़ महीने से क्या कर रहा है ये मटेरियल? अगर चलो मैं मान लेता हूँ गार्डन के लिए रखा, अगर ऑफिसर बोल दे गार्डन के लिए रखा, तो डेढ़ महीने से रखा हुआ है, क्यों रखा है डेढ़ महीने से, क्यों नहीं इसका यूज़ हो रहा है? यह मटेरियल एक्चुअल रोड का जो काम चालू है वहाँ के लिए रखा हुआ है, उसके यूज़ के लिए रखा हुआ है, ये नीचे अंदर रखने का परमिशन कौन देता है? ये किससे पूछते हैं, इनके पास क्या है कि कहीं पे भी रख देते हैं? आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में लोग राउंड मारते हैं पार्क के, क्योंकि मैं पूरा आपको नहीं दिखाया, उधर काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ देखिए, ये बीच में आपको दिखाता हूँ, यह जैसे राउंड मारते हैं बीच में जो है ना मोटर या कुछ तो पंप है, या बीच में भी जब बनाया गया तो बीच में ही है, इसका भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आते समय राउंड मारते समय लोगों को इधर उधर होके जाना पड़ता है, और एक दिन की समस्या नहीं रेगुलर की है, चलो इसको ठीक है छोड़ दीजिए। लेकिन अब इस ये तो ये था, ये भी एक पहाड़ है, ये भी एक खड़ा कर दिया गया है, और दोनों स्कूल है, सेंट मैरी है, रविशंकर है, यहाँ पर मॉर्निंग के समय में लोग बच्चों को छोड़ने आते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सबको दिक्कतें होती है, सीनियर सिटीजन्स हैं। अभी आप बताइए कि राउंड मारते समय यहाँ से आते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, अगर डिसबैलेंस है, कभी पैर स्लिप हो जाए और गिर जाए, तो ये बगल में जो है ये नोकीले पत्थर लगाए हुए हैं गार्डन के लिए, ये बाउंड्री जैसा बनाया गया, उनको चोट लग सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन यह जो है मनमाने तरीके से रख दिया गया। मैं बाहर के भी सीन थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, जो नाले का काम चालू है इनकी क्या कमियाँ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह जो है गार्डन का है, यहाँ पे जो है फल्ली लगा दिया हुआ है, आप देखेंगे, देखिए वहाँ पे बैरियर नहीं है,
आगे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे गार्डन बना है इन्होंने, ये सारी चीज़ें ऐसे खोल दी हैं, ये सारी चीज़ कोई भी गिर सकता है, कहीं कुछ भी जा सकता है। देखिए इस तरफ आप देख सकते हैं, देखिए और आगे अगर मैं चला जाऊँ तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें देखिए खुला हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ रखे नहीं है इन्होंने आने जाने के लिए, सिर्फ एक जगह जो है रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि लापरवाहियाँ जो है यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, जो कि एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, बैरियर पड़े हुए हैं, गिरे पड़े, लेकिन इनका यूज नहीं किया गया। ये क्या चीज़ें हैं मैं नहीं देख रहा हूँ, देखिए इन चीज़ों को जो है वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन नहीं यहाँ पर अनावश्यक ऐसे रख दिए हैं या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं रखा गया। और इनकी वजह से सुबह में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि उस तरफ भी कुछ पार्किंगें होती हैं, इस तरफ भी दो दो बसें अगर आ जाती हैं तो गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं, और वैसे भी नहीं निकल पा रही थी। आगे आप देखेंगे यह जो काम जो है पीके रोड तक जो है, आगे सेंट मैरी स्कूल होते हुए पीके रोड तक नाले का काम चालू है, वह करीबन मेरे समझ से 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन यह काम अभी भी चल रहा है और अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, इतना स्लो काम चल रहा है यहाँ पर। बस ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं इन कमियों को दूर करने का, ताकि ये कमियाँ दूर हो सकें और एक गार्डनों के ऊपर जो है गार्डन डिपार्टमेंट जो है ध्यान दे, जो कमियाँ हैं इन चीज़ों को दूर किया जाए। बस मुलुन को सुधारने का छोटा सा प्रयास करता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मुलुन को बदला जा सके। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGN से जय हिंद।